आज हमारा सॉफ्टवेयर है इन पे जो उर्दू टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक नेम है टूल स्ट्रिप्स, इंट्रोडक्शन ऑफ टूल स्ट्रिप्स। ये जो आपको मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये टूल बार कहलाता है, ऐसे टूल स्ट्रिप कह लें, इसका इंट्रो मैं आपको आज वन बाय वन दूंगी। ठीक है, सबसे पहले देखें आपके पास क्या है, ये एरो बना हुआ है, ये कहलाता है एरो टूल, और इसे इंतखाबी टूल या सिलेक्शन टूल भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ये किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने का काम आता है। जिस तरह से एरो टूल आपने लिए, देखिए मैंने पेज पे, पेज के आउटलाइन पे क्लिक किया तो ये डॉट इस चीज़ को शो कर रहा है कि पेज आपका सेट हो गया। अगर आपने पेज में कोई कलर वगैरह देना है तो यहाँ से कलर वगैरह दे सकते हैं। इस तरह से ये काम करता है आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका कौन सा टूल है, IBM टूल। IBM टूल क्या काम करता है, IBM टूल को हैंड टूल भी कहा जाता है, एरो टूल के नीचे जो है हैंड टूल भी कहा जाता है, उसे IBM टूल भी कहा जाता है। ये टाइप करने के काम आता है, यानी कि आपका जो टेक्स्ट है उसको टाइप करने में हेल्प करता है। जैसे आपने कोई भी दूसरा टूल यूज़ किया, जैसे मैंने एरो टूल लिया, अब आप भले जो भी टाइप करते रहें कीबोर्ड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पेज पर कोई भी टेक्स्ट शो नहीं होगा। तो उसके लिए टेक्स्ट को शो करने के लिए, टेक्स्ट को टाइप करने के लिए आप यहाँ से हैंड टूल या IBM टूल लेंगे, पेज पे क्लिक करेंगे, तब जाके आपका टेक्स्ट टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैं थोड़ा बहुत आपको कुछ लिख के बता देती हूँ ताकि आगे आपके लिए आसान रहे। इस तरह से ये हैंड टूल काम करता है आपका, सही। उसके बाद आपका क्या है, रोटेशन टूल। ये किसी भी चीज़ को रोटेट करने का काम आता है। जैसे मैं यहाँ से कोई भी बॉक्स वगैरह लेके ड्रॉ कर रही हूँ, अब अगर मुझे इसे रोटेट करना है तो यहाँ से रोटेशन टूल लेंगे। ठीक है, रोटेशन टूल लेने के बाद आप पहले से आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से रोटेशन टूल लें, यानी कि एरो टूल लेकर आप पहले अपने बॉक्स को सेलेक्ट कर लें, फिर यहाँ से रोटेशन टूल लें। अब आप उसको किसी भी तरह पर किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। तो ये हमारा रोटेशन टूल काम क्या करता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी शेप, पिक्चर वगैरह को रोटेट करने के काम आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल। ये दोनों जो टूल्स हैं इनका यूज़ नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू है। अब देखिए वो कैसे है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपको आइन बना हुआ नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। टेक्स्ट बॉक्स किस लिए यूज़ किया जाता है, पहले मैं इनका इंट्रो दे दूंगी। टेक्स्ट बॉक्स आप जब भी कोई अपने आर्टिकल बनाएंगे, कोई भी एडवर्टाइजमेंट, बैनर या कुछ भी न्यूज़पेपर लिखेंगे, उसमें जो हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग्स को हाईलाइट करने के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेके इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, इसके अंदर हैंड टूल से कोई भी चीज़ टाइप कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स लेके ड्रॉ कर दिया, सही, इस तरह से। अब मुझे इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को आपस में ज्वाइन करना है, जोड़ना है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का आपस में लिंक शो करना है कि ये दोनों आपस से रिलेटेड हैं। जैसे एरो शो करते हैं ना आप किसी भी चीज़ में कि ये चीज़ इस चीज़ को मेंशन कर रही है, इसके थ्रू हो रहा है काम, तो उसके लिए ये दो टूल्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट का नाम है टेक्स्ट बॉक्स लिंक टूल। ये क्या करता है, ये लिंक कनेक्ट करता है दोनों टेक्स्ट बॉक्स को आपस में। मैंने इसे सेलेक्ट किया तो देखें यहाँ पर लिंकिंग के लिए बॉक्सेस बने हुए आ गए। अब एक पे क्लिक करके जब आप दूसरे पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से शो करेगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स इस टेक्स्ट बॉक्स से लिंक है, लिंकेड, लिंक्ड। ठीक है, अगर आप इस लिंक को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी के नीचे दूसरा टूल होगा टेक्स्ट बॉक्स डी लिंकिंग टूल। तो इसे आप सेलेक्ट करके जब आप क्लिक करेंगे तो आपका लिंक जो होगा, कनेक्शन जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से ये टूल काम करते हैं। अब देखिए एक जो फर्स्ट आइन बना हुआ नजर आ रहा है ये तो टेक्स्ट बॉक्स है, उसके नीचे दूसरा एक और भी आइन बना हुआ है, ये कहलाता है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल किस काम आता है, जब आप कोई भी मेन हेडिंग देते हैं उसके अंदर आप कोई भी टाइटल देना चाहते हैं उस हेडिंग के अंदर ही, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। तो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेके इसे ड्रॉ करेंगे। अब देखें ये लेंथ में आप जितना मर्जी है ड्रॉ कर लें, इंक्रीज कर लें, लेकिन विड्थ में ये इतना ही आता है, जबकि टेक्स्ट बॉक्स को आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा किसी भी तरह कर सकते हैं एरो टूल लेकर। नज़र आ रहा है, एरो टूल मैंने लिया और यहाँ से इस पर क्लिक किया, डॉट्स आ गए, इनके थ्रू मैं इसका साइज बड़ा छोटा कर सकती हूँ, लेकिन ये जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स होगा इसे आप लेंथ में इंक्रीज कर सकते हो बस, बाकी ये विड्थ में इंक्रीज नहीं होता क्योंकि ये जस्ट टाइटल के लिए यूज किया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ आते हैं,
नेक्स्ट टूल हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा टूल जो है वो कहलाता है रेक्टेंगल पिक्चर टूल बॉक्स, जिसको उर्दू में कहते हैं चकोर तस्वीर बॉक्स टूल। तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। आप जैसे ही इसे ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर एक क्रॉस का साइन बना हुआ आएगा, आपको नजर आ रहा है कि क्रॉस के साइन पे आप जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर की लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप कोई भी पिक्चर वगैरह लेकर इसके अंदर सेट कर सकते हैं। आप पिक्चर की जो वेद एंड हाइट है और बाकी सेटिंग है वो जब आगे पिक्चर वाला लेक्चर आएगा मैं उसमें आपको इंट्रो दूंगी। फिलहाल मैं आपको सिर्फ टूल्स का यूज़ बता रही हूँ कि कौन सा टूल किस यूज़ में आता है। आगे जब इनके साथ हम काम करेंगे तो इनकी डिटेल भी आपको बता दी जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद है हमारे पास एलिप्टिकल पिक्चर टूल बॉक्स, ठीक है। ये भी वही पिक्चर के लिए यूज़ किया जाता है, सिर्फ इसकी शेप चेंज है, एलिप्स शेप में आता है, ठीक है, राउंड शेप में। तो यहाँ से इसमें भी आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हमारा क्या है? नेक्स्ट टूल कौन सा है? ये हमारा कहलाता है राउंडेड रेक्टेंगल पिक्चर बॉक्स टूल। इसको सेलेक्ट करके इसको ड्रॉ करेंगे, इसके कॉर्नर सिर्फ राउंडेड में आ जाएंगे, बाकी रेक्टेंगल टूल की तरह ही होता है और ये भी पिक्चर इंसर्ट करने के ही काम आता है। इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? उसके बाद आ जाए हमारे पास है रेक्टेंगल टूल। ये शेप के लिए यूज़ किया जाता है, शेप ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। रेक्टेंगल टूल ले लिया, इसको ड्रॉ कर दिया। इसमें अगर आपने कोई कलर वगैरह देना है तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे। आपको देखें, मैंने आपको बताया था शुरू में कि जब आप जो जो टूल यूज़ करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज साथ में ऊपर शो होती जाएगी। तो यहाँ से आपने क्या करना है, इसके अंदर कोई भी कलर वगैरह फिल करना है तो यहाँ से इसको कलर वगैरह दे सकते हैं आप इस तरह से, सही। इसी तरह नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट आगे हमारा वही एलिप्टिकल टूल, ये भी एज अ शेप यूज़ किया जाता है, कोई भी कलर वगैरह आप इसमें फिल कर दें। उससे नेक्स्ट है राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ये भी फॉर एज अ शेप यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर भी आपको एक कलर वगैरह यहाँ से दे दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? ये हमारे कहलाता है लाइन टूल। ये किसी भी जगह पर कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? पॉलीगॉन टूल, ठीक है। पॉलीगॉन टूल ये भी एज अ शेप यूज किया जाता है इस तरह से। तो ये आज आपका लेक्चर नंबर 2 था। टॉपिक नेम टूल स्ट्रिप्स इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स, जो कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैंने आपको सारे टूल्स की यूज बता दिया कि किस तरह से कौन सा टूल किस काम आता है। आपका आज का ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ टूल बार।